लोगों ने जो उस लड़के को पकड़ा तो उसके पास से ढेर सारा सिम कार्ड और एक पिस्टल बरामद हुआ। रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई एक आदमी संदेहात्मक स्थिति में रजिस्ट्री ऑफिस के पास घूम रहा है और इसमें जो है सिटी एसपी के डायरेक्शन पे एक टीम बनी जिसमें डीएसपी सिटी थे, थाना प्रभारी लालपुर थे, मोराबादी टीपी के अफसर थे और भी अन्य पदाधिकारी और जवान थे। इन लोगों ने जो उस लड़के को पकड़ा तो उसके पास से ढेर सारा सिम कार्ड और एक पिस्टल बरामद हुआ और जब उसे फर्दर इंट्रोगेट किया गया तो पता चला कि वो ऑनलाइन जुआ खेलवाता है। उसकी निशानदेही पर फिर छापेमारी हुई। बरियातपुर थाना क्षेत्र में दो अपार्टमेंट थे, दोनों अपार्टमेंट में छापेमारी हुई तो वहाँ पर ऑनलाइन जुआ खेलवाने का बहुत सारा सामान, जैसे आप देखेंगे बरामदगी में 4 लैपटॉप है और मोबाइल जो है 26 पीस मोबाइल है, सिम कार्ड 12 मिला, 49 चेकबुक मिले, 114 ATM मिला और इस तरह के बहुत सारे सामान वहाँ पर से बरामद हुए, जिसे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। इंट्रोगेशन चल रहा है, पता चल रहा है कि ये लोग जो है बोकारो के गुट से जुड़े हुए हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने छापामारी की थी तो बोकारो बेरमो साइड का कुछ लड़का जो है उसको मिला था। जो तरीका अभी तो समझ में आया है कि ये लोग जो है विभिन्न, जैसे कि IPL हो रहा हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा हो, ये सभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, इसमें भी लोग शुरू करने वाले थे, IPL में भी लोगों ने जुआ खिलवाया। इसके अतिरिक्त अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट न भी चल रहा हो तो इनके पास जो नंबर सिस्टम के बेसिस पे जुआ खिलवाते हैं लोग। उसमें जो है इन लोग 3 वेबसाइट का यूज अभी तक पता चला उनको, एक स्टार एक्सचेंज, एक लोटस और एक स्काई एक्सचेंज। MO ये है कि पहले जिनको खेलना है ये लोग लिमिटेड लोग को टच करते हैं, जिनके बारे में पता है कि वे लोग जुआ खेलने में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं या जुआ खेलने में इंटरेस्टेड हैं, उनसे फिर ये लोग जो है वो लोग पैसा लेते हैं। 10,000 रुपये में 1,00,000 का कॉइन मिलता है। उस कॉइन को पहले ऑनलाइन एक्सचेंज किया जाता है, उस एक्सचेंज के बाद खेलने वाला एक साइट है जहाँ पर नंबर के बेसिस पर या स्पोर्ट्स इवेंट के बेसिस पर जुआ लगाया जाता है और उसमें बहुत अधिकतर लोग पैसा हारते हैं, कोई कोई ही जीतता है। इस तरीके से इन लोग का जो है ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है। एक पार्टिसिपेंट कई बार IPL के समय में एक दिन में 50-60 हज़ार रुपये का जुआ खेलता है। अभी तक हम लोगों को टोटल 90 पार्टिसिपेंट का user ID मिला है, इसके और भी बहुत सारे user ID होंगे। ये ऑनलाइन तरीके से जुआ खेलवा रहा है और इस तरीके से ये बहुत सारे लोगों से पैसा लूट रहा है। अभी 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इस चैन में इन्होंने बताया जो ATMs हैं वो ATMs कई लोगों से लोग भाड़े पर लेते हैं। जिन लोगों ने भी पैसा लेकर ATM दिया है वे भी इस कांड के अभियुक्त माने जाएंगे और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अब देखें होंगे कि लगभग 114 पीस ATM कार्ड मिला है, 49 चेकबुक मिले हैं, तो वे सभी आपराधिक षड्यंत्र के हिस्से हैं और उन सबों को भी गिरफ्तार भविष्य में रांची पुलिस करेगी। राजधानी नहीं, ये अधिकतर लोग जो है वो खतरा तो बोकारो क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ पर ये लोग भाड़ा पर लेकर रह रहे हैं। वो अभी छानबीन चल रही है और हम लोग जो है उनका जो है पैसा जो गलत तरीके से बनाया गया उसको हम लोग फ्रीज भी कराएंगे। अभी अनुसंधान आरंभिक अवस्था में है, बाकी जो जो खुलासा हुआ क्योंकि अगर तक पुलिस की कार्रवाई बढ़ती जाएगी। सर, चुनाव भी अभी संपन्न हुआ, क्या उसमें भी लोगों का संलिप्तता? अभी तक चुनाव से संबंधित किसी गेम की हमें ट्रेस नहीं मिला है, पर हम लोग इंट्रोगेट करेंगे। अभी तक स्पोर्ट्स इवेंट और नॉर्मली इसका इंटरनेशनल चैन है जिसमें से एक लिंक मिलता जाता है और ये चैन बढ़ता जाता है, उस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं।